देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए भारतवर्ष टॉप 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे से पहले एक धमकी भरा लेटर मिला है, जिसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया है। दरअसल केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुंदरन को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें आत्मघाती हमले की बात कही गई थी। बीजेपी यूनिट ने इस लेटर को पुलिस को सौंप दिया है। धमकी वाले लेटर पर केरल पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 49 पेज की रिपोर्ट तैयार कर पीएम की सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। उधर केरल की बीजेपी यूनिट इसे पीएम का दौरा रोकने के लिए केरल सरकार का षड्यंत्र बता रही है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को केरल जाएंगे। दिल्ली में आज सत्यपाल मलिक से मिलने कई किसान नेता आए थे। इन नेताओं के साथ सत्यपाल मलिक की मीटिंग आर के पुरम पार्क में हो रही थी, लेकिन इसकी इजाजत पुलिस से नहीं ली गई थी। लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां से लोगों को हटाने लगी, जिसके बाद सत्यपाल मलिक समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। सीबीआई के द्वारा समन दिए जाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मैंने शिकायत की थी कि इन चीजों में करप्शन है, तो उस पे उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माय हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाने के बाद आज उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। राहुल गांधी ने खुद अपने हाथ से 12 तुगलक लेन की चाबी अधिकारियों को सौंपी। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। अतीक अहमद के हत्यारे स्टेशन के पास एक होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। इन शूटरों ने 13 अप्रैल की रात को होटल में कमरा लिया था। शक न हो इसलिए तीनों रेकी के लिए अलग अलग निकलते थे। हत्या के बाद कमरे से सामान लेकर भागने की भी थी प्लानिंग। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ मर्डर केस के मुख्य आरोपी अरुण मौर्य का पुलिस आज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाएगी। राशन कार्ड पर अरुण मौर्य की जो उम्र दर्ज है, उसके मुताबिक अरुण अभी नाबालिग है। हिंदी त्योहारों को लेकर एनसीपी नेता जितेंद्र भाड़ ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रामनवमी और हनुमान जयंती के त्योहार दंगों के लिए होते हैं। तरह धार्मिक सोहे करा, अत्या सोहना मत जमा करा, नहीं जमला तो आगे लाऊंगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। ईद के मौके पर कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में शांति चाहती हैं, देश में बंटवारा नहीं चाहती।